हेलो गाइस, मेरा नाम है जाबीर अंसारी और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं SBI के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है अप्रेंटिस की। आप सभी को ऑनलाइन कैसे ये फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके पास बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मीन्स यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। ये फॉर्म यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपकी जो डाउट है वो क्लियर होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पे डेली जॉब संबंधित जानकारी देते हैं। ओके, सो गाइस ये है ऑफिशियल पेज जहां से ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपकी ये जो वैकेंसी जारी की गई है SBI की वैकेंसी है, लेकिन आपको IBPS के ऑफिशियल पेज पे जाके फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू फॉर्म को सबमिट करना है। ओके, तो गाइस चलिए पहले हम जानते हैं इस फॉर्म के पूरे डिटेल्स के बारे में एंड कैसे फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। हम आपको इसी वीडियो में कंटिन्यू पूरा डिटेल्स बताएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे ये भी जानकारी बताएंगे। पहले चलिए गाइस हम चलते हैं इस फॉर्म के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 20 नवंबर से आवेदन होना स्टार्ट है एंड इसका जो लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2020 है। और इस फॉर्म की जो एग्जाम होगी आपकी जनवरी 2021 में एग्जाम होगी, एडमिट कार्ड आपका दिसंबर 2020 में अवेलेबल हो जाएगा। आवेदन फी जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा जनरल OBC और EWS के लिए 300 रुपीज यहाँ पे फी जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। और SC ST PH यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट विकलांग है वो प्लस SC ST की कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं पेमेंट करेंगे, बिल्कुल फ्री ये फॉर्म को करेंगे सबमिट। ओके, फी जो पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपको मेथड मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आप ऑनलाइन फी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट का पहले तो एज यहाँ पे काउंट होगा यानी कि गिनती होगा, 31 अक्टूबर 2020 से आप सभी का एज यहां पे लिया जाएगा। कम से कम वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनका 20 वर्ष हुआ हो और 28 वर्ष यहां पे मैक्सिमम जो एज है वो रखी गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी जो जारी किया गया है 8500, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहां पे पोस्ट नेम मैंने आपको बताया, अप्रेंटिस की पोस्ट जारी की गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट मिलेगा 3595 पोस्ट जारी की गई है। EWS में 844 पोस्ट जारी की गई है। OBC में 1948 पोस्ट मिल जाएगा। SC में आपको 1388 पोस्ट मिल जाएगा। ST में 725 पोस्ट मिलेगा। टोटल यहां पे आपको जो पोस्ट जारी की गई है 8500। देखिए यहां पे ओनली बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन रखी गई है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, स्ट्रीम मीन सब्जेक्ट एनी स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पे आपके पास बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ। ये आपके पास BA BSc BCOM कोई भी बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके गाइस, यहां पे स्टेट वाइज जो आपको पोस्ट मिलेगा यहां पे सारे स्टेट का नेम है और लैंग्वेज यहां पे मेंशन की गई है। ये कैटेगरी वाइज है टोटल कितना कितना पोस्ट है किस स्टेट में यहां पे मेंशन की गई है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको टोटल जो पोस्ट मिलेगा 1208 पोस्ट जारी की गई है उत्तर प्रदेश में यहां पे SBI में, ठीक है। SBI की जो बैंक है उसी के शाखा में यहां पे जो आपको पोस्ट मिलेगा। यूपी में 1206 पोस्ट जारी की गई हैं। बिहार में आपको 475 है एंड यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाएगी कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे लागू की गई हैं। ओके, तो इसको आप लोग जरूर रीड कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सब कुछ मेंशन किया गया है। चलिए बात करेंगे कैसे आप लोग आवेदन करेंगे। तो आवेदन करने के लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे हमने ये पेज ओपन किया है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक नया रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करना है एंड जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे कैप्चा कोड लिखना है एंड यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा।
जैसे दोस्तों रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आपको सारा कुछ डिटेल आपके बारे में मांगा जाएगा, ठीक है, नाम पता एड्रेस ये सब कुछ आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। तो ये सब दोस्तों आपको फिलअप करना पड़ेगा। सो गाइस आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट नेम आपका जो है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है और लास्ट नेम आपको यहाँ पे कंफर्म करानी है। जो आपका नाम रहेगा यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपका शो करा जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, मोबाइल नंबर आपका 10 अंक का रहेगा, 0 ये सब आप कुछ यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर आपको वही कंफर्म करानी है यहाँ पे, अल्टरनेटिव कोई नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी के लिए, ठीक है, तो आपका जो ईमेल आईडी यहाँ पे मांगा गया है, ईमेल आईडी आपका एट द रेट के पहले का जितना वर्ड रहेगा आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए एट द रेट यहाँ पे है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा gmail.com, अगर आपका जीमेल से है तो gmail.com, अगर कोई अदर है तो यहाँ पे अदर आपको सेलेक्ट करना है, gmail.com मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पूरा ईमेल आईडी लिखना है, एट द रेट से बाद का और एट द रेट से पहले का सारा आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद कैप्चर कोड आपको यहाँ पे देखिए शो हो जाएगा, कैप्चर कोड वही कैप्चर कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपका दोस्तों कैप्चर कोड शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो कैप्चर कोड शो हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी सेव एंड नेक्स्ट, आपको इस पर कर लेना है क्लिक। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपको ऑप्शन में पाया जाएगा कि जो आपने डाटा एंट्री किया है ये सब आपका चेंज नहीं हो पाएगा, अगर आप चाहते हैं सबमिट करना तो यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लीजिए। जैसे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका हो गया और पासवर्ड आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पर भी ये मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है और आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गाइडलाइन चेक कर सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर किस प्रकार का होना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चूज पैनल पे क्लिक करके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो अपलोड करिएगा तो फ़ोटो के यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा गया है फ़ोटो 3, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस रहेगा तो ये फ़ोटो यहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई भी ऐसा वर्ड हो जो यहाँ पे स्पेस लिया रहेगा तो उसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका नियम है कि अगर फ़ोटो या नाम या कुछ में भी अगर आप लिखे हैं, जैसे आप अपना फ़ोटो में अपना नाम लिखे हैं रमेश कुमार स्पेस देके, तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे ये अपलोड नहीं करेगा, ठीक है, तो आप बार बार प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से आपको बता दिया, फ़ोटो देखिए यहाँ पर लिखा है, कोई स्पेस इसमें नहीं दिया गया। उसी प्रकार आपको यहाँ पे सिग्नेचर में भी देख सकते हैं, सिग्नेचर जो आपका रहेगा वो भी आपको उसमें भी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं ये नाम अपलोड कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस है, तो देखिए ये ऑप्शन क्या कहता है, अपलोड होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है, या इनवैलिड इमेज फॉर्मेट या इनवैलिड यहाँ पे देखिए दे रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आप फाइल है उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं देखिए दूसरा अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, अपलोड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्वालिफिकेशन डिटेल प्रेफरेंस और बेसिक ये सब डिटेल देना है, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे येस करना पड़ेगा, अगर नहीं आते हैं तो नो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद आप सर्विस मैन है तो येस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर लेना है। तो ये सब ऑप्शन आपका जो है ये सब हिट हो जाएगा, आपको ये सब सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिटीजन सेलेक्ट करना है, इंडिया के रहने वाले तो इंडिया, अदर के रहने वाले रहेंगे तो यहाँ पे अदर आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इंडिया का रहने वाला हूँ इसलिए मैंने इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट कोड आपके सामने यहाँ पे शो कराई जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्री एग्ज़ाम कहाँ देना है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम आपको कहाँ देना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपका एज जो है वो यहाँ पे देखिए बताया जाएगा कितना आपका एज है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है, पिता का नाम पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट एंड लास्ट इसमें नहीं करना है, पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने मदर का नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना है। एंड यहाँ पे आपको अपना स्टेट फिर से सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद गाइस आपको नीचे यहाँ पे सेम एज एड्रेस है इस पर आपको कर लेना है येस। और उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको इनवाइस जो GST है इस पर आपको परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सबमिट, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आप वैलिडेट योर डिटेल पे कर लीजिएगा क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने से दोस्तों आपका जो फॉर्म है ये फिलअप किए रहेंगे, यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा कि आपने कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं ना है। अगर छूटा रहेगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बता दिया जाएगा कि आपका ये ऑप्शन छूटा है। अगर आपका कोई ऑप्शन नहीं छूटा रहेगा तो यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करें, देख सकते हैं वेरीफाई सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर कर लेना है क्लिक। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन की डिटेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर यू ग्रेजुएट, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ग्रेजुएट हैं। आप येस आर नो में जवाब देंगे तो यहाँ पे येस, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया अपना ग्रेजुएशन का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो सबसे फर्स्ट मेरा हिंदी है, ठीक है। हिंदी मुझे रीड एंड राइट एंड स्पीक ये मुझे तीनों आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लैंग्वेज दे रहा हूँ इंग्लिश। और अगर आपको दोस्तों कोई भी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप यहाँ पे लिख के आपको रीड राइट एंड स्पीक आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेव, यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे आपको करना है क्लिक। तो वेरीफाई जब हो जाएगा दोस्तों तो आपको ओके पर क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर लेना है क्लिक। ओके सो गाइस जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रेफरेंस फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सारा जो बैंक है आपको सेलेक्ट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर लेना है क्लिक, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका ऑप्शन जो आ जाएगा प्रीवियस का, ठीक है। यहाँ पे आपने जो फिलअप किया रहेगा सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स शो कराई जाएगी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस चेकबॉक्स पे येस करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक और चेकबॉक्स मिलेगा यहाँ, ठीक है। ये देख सकते हैं ये, यहाँ पे आपको येस करना है और यहाँ पे आपको येस करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका डिक्लेरेशन, इसको आपको लिखना पड़ेगा अपने हैंड राइटिंग में, ठीक है। किसी एक वाइट पेज पर को उसको स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब कुछ येस करने के बाद चेकबॉक्स पे फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ओके अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब अपलोड करनी पड़ेगी जो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब अपलोड करनी है गाइडलाइन के लिए, आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना थंब आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपके बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पे अपलोड करनी है। ओके तो देख सकते हैं ये हमारा थंब जो है वो अपलोड हो गया है, इसको यहाँ पे कर लेना है। ओके ठीक इसी प्रकार दोस्तों आपको अपना डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अपना डिक्लेरेशन अपने हैंड राइटिंग में लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चर कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर लेना है क्लिक। आपको यहाँ पे फी पेमेंट करने के लिए कई प्रकार की मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप जिसके द्वारा फी पेमेंट करना चाहेंगे यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डेबिट या ATM या इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI किसी के भी द्वारा आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा फी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर लिखना है, एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे लिखना है, CCV कोड इस ऑप्शन में लिखना है, किसके नाम से आपका जो ये कार्ड है वो लिखना है,
और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आपको इस पर कर लेना है क्लिक। सो गाइस मैं इस फॉर्म का फी जो है वो पेमेंट नहीं करूँगा, आपको एक नमूने के तौर पे दिखा रहा था कि कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। आगे दोस्तों आपको अपना डिटेल्स लिखने के बाद आपको फी पेमेंट करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेना है या प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है, यही आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर आप दोस्तों इसके आगे का प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए कि इस पर मैं फी पेमेंट करने के बाद आगे का वीडियो बना दूँ, तो मैं बना दूँगा, ठीक है। और गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कोई सवाल हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए आप कमेंट करिएगा गाइस, हम आपके सवाल का जवाब तुरंत देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम आपको डेली जॉब संबंधी जानकारी के बारे में बताते हैं और कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन।